कानपुर महानगर के गल्ला मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में छेड़छाड़ का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। स्ट्रांग रूम में एक व्यक्ति के बार बार अंदर और बाहर जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर सपा नेता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। ईटीवी डिजिटल की साइट पर छपी खबर के अनुसार महानगर में 20 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद सभी विधानसभाओं के ईवीएम कानपुर के गल्ला मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में रखी गई थी। खबर के मुताबिक सपा की बिल्हौर विधानसभा से प्रत्याशी रचना सिंह ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्ट्रांग रूम में एक व्यक्ति बार बार अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सीसीटीवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए लोग निर्वाचन अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, बार बार करने क्या जाता उसमें, बात यहाँ पे है ना। गिच्छी जी फोन कर रहा था, है फिर भी घुस जाता फिर भी फोन में देख रहा है। ये 5 है स्ट्रांग, 2-4 चौथे पे ले जाइए। अभी देखो कहाँ जा रहा है। खोलो इसी में जाएगा ऊपर जहाँ से जा रहा होगा, बाकी एक खोल कर रख देंगे तो माटी से लाएगा। ये जा रहा, वो जा रहा। बात वहां जाने का ऑर्डर एसडीएम को नहीं है, डीएम को नहीं है, वहां तक जाने का ऑर्डर। ये कैसे पहुंच गया वहां पर? वो जा रहा है। इस रूम को खुलवा के देखो, कौन दिखवाएगा इस रूम को खुलवा के? वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बार बार स्ट्रांग रूम के अंदर जा रहा है। आरोप है कि इस व्यक्ति द्वारा कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रचना सिंह ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो फिर वीडियो में दिखाई पड़ रहा ये शख्स आखिर कौन है, और अर्धसैनिक बल के जवान के होते हुए ये शख्स किसकी शह पर स्ट्रांग रूम में अंदर बाहर आ जा रहा है। खैर, देखना यह होगा कि सपा प्रत्याशी की शिकायत को चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से लेता है और इस वीडियो के आधार पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क, टाइम 24 न्यूज। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।